મેજિક જ છે અત્યાર સુધી આપણે જઈશું સીધા જ ભોપાલ મારા સંવાદદાતા કિંજલ મોજુદ છે કિંજલ ચોક્કસ જે મધ્યપ્રદેશમાં જે રિઝલ્ટ આવી રહ્યા છે 144 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો આગળ છે અને હવે રેસ હશે સીએમના ચહેરાની શું કહેશો आज बिल्कुल आप जो सको कि सीएम हाउस शिवा चौहान निवासस्थाने अमे उपस्थित छे जिला समर्थकों कार्यकर्ताओ है तेलाम बात करने प्रयास करूँ कि आखिर कोनो मैजिक चल किसका मैजिक चला मोदी मैजिक चला या शिवराज जी बिल्कुल मोदी जी का मैजिक चला और शिवराज जी का मैजिक मध्य प्रदेश में चला आप देखिएगा अभी थोड़ी देर में 150 सीट भी शिवराज जी पार करेंगे अच्छा देखो कार्यकर्ता नो उत्साह है आपको क्या लग रहा है मुझे तो जो भी लग रहा है बहुत अच्छा हो रहा है पहली बात तो फीलिंग ही बहुत अच्छी है हाँ। फीलिंग इसलिए अच्छी है कि शिवराज जी जो हैं हमारे वरिष्ठतम नेता हैं हाँ। और उनके ही लीडरशिप में जो है भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव पे चुनाव जीतती जा रही है और जनता का प्रतिसाद हमेशा हमको मिलता जा रहा है एक एंटी इनकम्बेंसी की बात हमेशा हुई तो लग रहा है कि जो परिणाम है वो कह रहे हैं कि मामा ही चाहिए लाडली बहना की आंधी में सब बह गए आपको क्या लग रहा है क्योंकि जो जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं रुझान आ रहे हैं ये तो ना एग्जिट पोल दिखा रहे थे ना भाजपा के नेता को भरोसा था पर रिजल्ट क्या है हमको माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा था हाँ। जिस तरह से लाडली बहना योजना लेकर आए और मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है हाँ। कार्यकर्ताओं से सहज मिलना सहजता उनकी और अटल जी जैसे सबको साथ लेकर चलना ये अद्भुत है मुख्यमंत्री जनता की नब्ज को देखना जनता को कौन सी योजना चाहिए और उस पर क्रियान्वयन करना ये मुख्यमंत्री का अद्भुत है और मोदी जी की योजना है और शिवराज जी की मुख्यमंत्री जी की योजना है जनता को एक अद्भुत जो मध्य प्रदेश कितना बीमारू था उसको आज चार चांद लगा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहनें इतनी खुश हैं अच्छा गेम चेंजर कौन रहा चलिए बीजेपी की भी काफी सारे एंगल रहे काफी सारे लीडर गेम चेंजर कौन रहा एक हमारे नेता शिवराज जी ने जो नेता ना होकर परिवार चलाने की जो परिपाटी चलाई है ये गेम चेंजर है इसकी वजह से आज परिवार अपने मुखिया को साथ दे रहा है और आप टैली देख रहे हैं कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग नहीं तो पीएम का यहाँ पे जादू चला कि शिवराज जी का ही जादू चला यहाँ शिवराज जी का जादू चला ना मोदी जी का चला ना किसी का मात्र एक शिवराज जी है मुख्यमंत्री और वो ही उनका ही जादू है और उनको ही जनता ने आशीर्वाद दिया है किसी को आशीर्वाद नहीं दिया जो अनेक जे खुशी नो जे माहौल छे खुशी नो माहौल पर आप जो सको छो कि कया प्रकार की खुशी छे केम के शिवराज चौहान ना स्थाने अमे उभा छे अने आज जो के शिवराज चौहान ने पण एक जगह दावो करी दीधो छे के सरकार बनवा जई रही छे अने आ माहौल शिवराज चौहान ना घर मा निवास स्थाने जोवा मळी रह्यो छे के ज्यां कार्यकर्ताओनी एक प्रकारनी जे खुशी छे खुशी जोवा मळी रही छे एक प्रकारे जे जे वात छे अने हमेशा कहेवामां आवी रह्यो छे के मेजिक छे ए मोदी मेजिक नहीं परंतु अहींया शिवराज चौहान नो जे मेजिक छे ए चालु छे काफी वरिष्ठ आप आगेवान है आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आखिर एमपी में कौन सा फैक्टर चला मोदी फैक्टर चला या लाडली बहना चली चला क्या ऐसा फैक्टर तो मोदी भी चला हाँ। मगर सबसे ज्यादा लाडली बहना चला हाँ। रामकृष्ण चौहान हाँ। पूर्व चेयरमैन एमपी एग्रो और हाँ। पूर्व विधायक तो आप मान रहे हैं कि जिस तरह से योजना की वजह से बहनों को माताओं को जो लाभ मिला एक यही फैक्टर रहा है नहीं नहीं फैक्टर तो हमारे विकास के बहुत से हैं हाँ। दिल्ली मोदी जी ने भी बहुत से ऐसे काम किए हैं हाँ। जो जनता के दिल में गढ़ रहे हैं चाहे सनातन धर्म का हो चाहे वो हो मगर ये लाडली बहना का तो मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया बिल्कुल तो जो सौथी मोटी बात आवी रही छे लाडली बहना એટલે કે મતદારાઓ જે પણ છે મધ્ય પ્રદેશની બહેનો છે મધ્ય પ્રદેશની મહિલા વોટર છે જે એમ ફેક્ટરની વાત આપણે પહેલા સવારથી કરતા હતા કે એમ ફોર મહિલા વાય ફોર યુથ માય ફેક્ટર છે એ મધ્ય પ્રદેશમાં ચાલ્યું છે અને આપ જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે શિવરાજ ચૌહાણ સીએમના નિવાસસ્થાને કાર્યકર્તાઓનો જમાવડો આવવાનો શરૂ થઈ ગયો છે અને એક ઉત્સાહ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે બિલકુલ કિંજલ જોડાયા છે આપની સાથે પરંતુ સ્વાભાવિક છે જ્યાં સુધી અલગ અલગ સર્વેની વાત થતી હોય યુપીથી લઈને અન્ય રાજ્યોના પણ સર્વે થયા છે ને એમાં સ્પષ્ટ થતું આવ્યું છે કે ભાજપને મહિલાઓનો સાથ વધુ મળતો આવ્યો છે આ લાડલી બહેનાની વાત પણ સતત ને સતત મધ્યપ્રદેશથી થઈ રહી છે